आज का सेशन है हमारा पेस्ट स्पेशल के ऊपर, ठीक है। अब पेस्ट स्पेशल में क्या क्या होता है, कॉपी पेस्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो आपको मैं इस सेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है, डेटा में डेट है, ठीक है, यहाँ टेक्स्ट है, कमेंट्स हैं, और एक फार्मूला है रैंड बिटवीन का। रैंड बिटवीन का फार्मूला मालूम है क्या करता है? रैंड बिटवीन के फॉर्मूले में मैं दो फिगर देता हूँ, बॉटम एंड टॉप, तो ये क्या करता है, उसके बीच की रैंडम वैल्यू जनरेट कर देता है कोई भी, ठीक है। इसको मोस्टली मैं डेटा को बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। और क्या है इसमें, वैलिडेशन है। वैलिडेशन मालूम क्या होता है, कि कुछ भी अलग से फिगर डालना चाहे तो नहीं लेगा, जो लिस्ट में वैल्यू है उन्हीं में से ही लेगा, ठीक है। रैंड बिटवीन, हाँ, वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन होती है सेल पे, ये मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, वैलिडेशन के सेशन में अलग से बताऊंगा डेटा वैलिडेशन के बारे में, शुरुआत के लिए कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है, हम सेल पे लगाते हैं कि यही वैल्यू एंटर हो सकती है, इसके अलावा और कुछ ना हो। तो इसमें रैंड बिटवीन का फार्मूला एक और चीज़ है कि जैसे ही शीट में आप कुछ भी करते हैं ये वैल्यू चेंज कर देता है पहले तो, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मतलब आदत है, जैसे हैबिट है, ये अपने आप ही करता रहता है, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर रहा हूँ, और मुझे अगर फार्मूला हटाना होता है, वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में गया और यहाँ से मैं वैल्यूज़ चूज़ करता हूँ, है ना। अब वैल्यूज़ तो मैंने चूज़ कर ली, देखो फार्मूला तो चला गया, पर ये देखो डेट का हमारा फॉर्मेट बिगड़ गया। दूसरा सेल्स जो आई है वो भी ये नंबर फॉर्मेट में वैसे नहीं आई है, डबल डेसिमल में है ना, वो नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट नंबर फॉर्मेटिंग को मेंटेन रखे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी किया मैंने, पेस्ट स्पेशल में गया, और ये वैल्यूज़ की जगह मैं ये यूज़ करूँगा, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। तो क्या करेगा ये, नंबर फॉर्मेटिंग भी साथ में पेस्ट करेगा, फॉर्मूला नहीं करेगा, नंबर फॉर्मेट, ठीक है। डेट अपनी जगह पर, आप इसमें देख सकते हो कि जैसे, अच्छा ये कुछ हैशेज आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है, मतलब कि इसका कॉलम की सेटिंग जो है वो चेंज करनी पड़े, है ना। तो कॉपी पेस्ट के दौरान ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार हमें कॉलम एडजस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में जाओगे, इसका भी ऑप्शन आपको दे रखा है कॉलम विड्थ का, ठीक है। आपका डेटा कॉपीड होना चाहिए, कॉलम विड्थ, तो वहाँ की जो कॉलम सेटिंग है वो इस पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी आप कॉलम की सेटिंग को पेस्ट कर सकते हो, कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने देखा कि हमने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट देखा, कॉलम विड्थ देखा, अभी क्या है, जब हम ऑल करते हैं पेस्ट में तो सब कुछ पेस्ट करता है, मतलब जस्ट लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी नॉर्मल, ठीक है। जब हम फार्मूलाज करते हैं, तो फार्मूलाज का मतलब क्या होता है, कि इसके अंदर वाली वैल्यू जो आपके ये फार्मूला बार में दिखाता है ना, वो वाली वैल्यू से मतलब होता है उसका, ठीक है, इसलिए वो सारी करता है। फार्मूलाज में भी ये ऑप्शन है आपके पास, फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट का, तो ये नंबर फॉर्मेट मेंटेन रहेंगे, ठीक है जी, फार्मूला भी रहे। हाँ, अगर आपको अभी यहाँ हम नंबर फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे, फॉर्मेट्स चाहिए पूरे पूरे, तो आप फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। कहीं आपने कमेंट डालने हैं कॉपी, तो कमेंट को भी आप इसमें पेस्ट स्पेशल से डाल सकते हैं, कमेंट, ठीक है, कमेंट आ गया। वैलिडेशन, ये जो रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहा था, मैं कहीं और लगाना चाहता हूँ, इसको कॉपी करें
यहाँ लगाना चाहता हूँ। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैलिडेशन पेस्ट कर देंगे। तो यही ड्रॉप डाउन वाला वैलिडेशन हर जगह है, ठीक है, जहाँ पेस्ट किया मैंने। वैलिडेशन जैसे वैलिडेशन सेल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है ना कि कंडीशन के बेस पे हाईलाइट करता है, ये कंडीशन के बेस पे एंट्री करने देता है, ठीक है। अगर कंडीशन मैच नहीं करेगी तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे इसमें ये लिस्ट है 1 to 7 तक वैल्यूज़ है, अगर मैं कुछ और डालूँगा तो ये एरर देगा मुझे, द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर इन दिस, ठीक है। तो इस तरह से वैलिडेशन को भी मतलब पेस्ट किया जा सकता है, हालांकि इसका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में फिर आप चूज़ करते हो, ठीक है। तो हर सेल पे तो ऐसा कर नहीं सकते, तो कहीं लगा हुआ है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे फॉर्म बनाने के लिए आपका यूज़ आएगा, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत एक्सटेंसिव यूज़ की होंगी, उन्हीं में से डेटा वैलिडेशन भी एक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, ठीक है। उसके बाद ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर है इसके अंदर, ये बॉर्डर छोड़ के सब कुछ पेस्ट करता है, इसका कोई खास यूज़ नहीं, बस बॉर्डर नहीं लगाता है। इसके बाद ऑल यूजिंग सोर्स थीम है, सोर्स थीम जो है ये नॉर्मल आपको पेस्ट की तरह लगेगा, इसका हम थीम्स का यूज़ ही नहीं करते बेसिकली। पेज लेआउट में जाएंगे तो ये थीम्स होती है ना, ये पावर पॉइंट में यूज़ होती हैं, तो फीचर इसमें दिया हुआ है, ओके। देन ये तो रही कॉपी पेस्ट की बात। इसमें अब मान लेते हैं कि कुछ टास्क है, जैसे यहाँ पे सेल्स एंट्री है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स है जिनको ऐड करना चाहता हूँ सेल्स पे, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे प्लस करेंगे और फिर यहाँ से जाके ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज़ करेंगे, ऐसे ही करते हैं, है ना, कोई अलग तरीका। तो जब आपको पेस्ट करना ही है, आप इन वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और जहाँ पेस्ट करना है सेल्स के ऊपर, वहाँ पे पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऑपरेशन में जाके ऐड, तो ये नंबर्स ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं, नहीं आपकी वैल्यू डायरेक्ट प्लस हो जाएगी, फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि वहाँ ऐड करना था, यहाँ रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के लिए क्या है, देखिए कॉपी पेस्ट से रिप्लेस क्यों नहीं कर पाते हम, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे तो ये ब्लैंक भी जो हैं वो यहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कोई ऑप्शन हो जो ब्लैंक को स्किप कर दे, ये स्किप ब्लैंक का ऑप्शन है आपके पास, तो आपका रिप्लेसमेंट का टास्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही जैसे ऐड का दिखाया था उसी तरह से, अब जैसे सेल्स है, टारगेट है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट टारगेट अचीव हुआ है। बेसिकली वो निकलता कैसे, आपको इसमें डिवाइड करना पड़ता है ना, और देन ये जो नंबर आते हैं इनको परसेंटेज के फॉर्मेट में दे सकते हैं, ये रहा। तो ये तो एक फॉर्मेट है, ये बटन से आप क्या कर सकते हैं, बेसिक टास्क हमारा डिवाइड ही है इसमें, तो मैंने कॉपी किया और अचीवमेंट वाले पार्ट में डाल दिया सेल्स को, टारगेट को कॉपी किया, सिलेक्ट किया सेल्स को यहाँ और डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक साथ ये डिवाइड हो गए, फिर परसेंटेज बदल दिया, ये आ गया, ठीक है। सबके टारगेट जब अलग अलग है अब क्या करेंगे, तो उस केस में भी हमारा ये वाला ऑप्शन चल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने सामने वाली वैल्यूज़ को ही डिवाइड करेगा। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये कलर ना चेंज हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ से वैल्यूज़ क्लिक करेंगे और देन अपना टास्क डिवाइड करेंगे, उसमें क्या है कि ये कलर चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से 3 दिन की अलग अलग सेल्स है, 3 दिन का टारगेट है, तो हम
सेम ऑप्शन यूज कर सकते हैं, हर एक टारगेट अपनी पैरेलल वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। तो ये टास्क आपके सेकंड्स के हैं, डायरेक्ट वैल्यू आपकी बन जाती है। आगे चलते हैं, अब जैसे सेल्स वैल्यू है, इसमें क्या करते हैं हम, ये मान लीजिए कि इधर आपके पास वैल्यू इन करोड़ में निकालनी है, जैसे वैल्यू इन लाख निकालते हैं ना पॉइंट में, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सेम आपका डिवाइड ही होता है, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए, एक करोड़ लिख के मैंने करा और डिवाइड कर दिया, हो गया डिवाइड, ज़ीरो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, डेसिमल, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो फिगर आती है आपकी कंसोलिडेशन के थ्रू, वो किसी ना किसी फॉर्मूले से आती है ना। अब आपको ये फिगर मान लीजिए करोड़ में दिखानी है पॉइंट में, तो कैसे करेंगे, कॉपी करेंगे, सेम करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। अब क्या होगा, आपका फार्मूला जो है वो अमेंड हो जाएगा, इसमें ये हो गया डेसिमल एडजस्ट कर लेते हैं, अब देखोगे ऊपर जो फार्मूला है वो अपने आप अमेंड हो गया, ठीक है। ठीक है, ये देखो सेम उसी प्रोसीजर से, कुछ अलग से नहीं करना है, यहाँ से हमने कॉपी किया और इधर बस डिवाइड करके कर दिया, ये अपने आप ही फार्मूला चेंज हो जाएगा, अगर फार्मूला है वहाँ पे तो, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज तो पता ही है, आप होगा आपको, रो से कॉलम में और कॉलम से रो में लाना हो, ठीक है। उसके बाद लिंकिंग लगाते हैं, लिंकिंग कैसे लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इक्वल टू कर देते हैं और ये चूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको ड्रैग करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके लिंक लगे हुए हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, अभी जैसे फॉर्मेट्स हैं तो फॉर्मेट तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस पर फॉर्मेट तुरंत डाल दूँगा, यहाँ से विड्थ भी डाल दूँगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे फिगर चेंज करूँगा वैसे ही यहाँ पे भी चेंज दिखाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि ड्रैग कितना करना है उस लिंक को, सेम शीट पे तो आपको पता पड़ जाएगा, पर अलग अलग शीट पे जाएंगे तो कितना ड्रैग करना है वो आपको दिक्कत करेगा, है ना, बार बार आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट स्पेशल में ही एक बटन है पेस्ट लिंक का, तो क्या करेगा, लिंक लगा देगा, ये देखो, है ना। बाकी आपके पास फॉर्मेट और कॉलम विड तो आप सेट ही कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इनमें चेंज हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपको इतना ही डेटा रिप्रेजेंट करना है और जगह आपके पास बची है इतनी, मान लीजिए डैशबोर्ड बना रहे हैं आप, तो जगह का इशू है, डेटा इतना रिप्रेजेंट करना है, तो इतनी जगह में कैसे आएगा ये डेटा, क्योंकि रो कॉलम छेड़ेंगे तो बाकी भी ख़राब हो सकता है। तो एक तरीका है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी किया, अब ये जो पेस्ट का बटन है यहाँ पे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है पिक्चर का, तो एक तरीका तो ये है कि आप पिक्चर में कर लीजिए, ठीक है, पिक्चर छोटी बड़ी हो सकती है ना, पिक्चर में दिखा सकते हैं। पर पिक्चर से ये लिंकिंग वाला काम कैसे होगा कि वहाँ चेंज करूँ और यहाँ चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको कॉपी करना है, आपके पास यहाँ पे लिंक्ड पिक्चर का ऑप्शन है अगला, ये पिक्चर की पहचान क्या है कि इस पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला सा लगा होगा,
ये पिक्चर होने के नाते छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, और लिंक होने के नाते ये चेंज हो सकता है, ठीक है। सेम चेंजेस आपको यहाँ दिखाई देंगे, एक तरह की दूसरी स्क्रीन है, इवन कलर भी चेंज करेंगे तो कलर भी चेंज दिखाएगा, ठीक है। ये एक तरह की स्क्रीन है आपकी जो वहाँ दिखाई देती है आपको, ठीक है। अब इसका यूज आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस में भी कर सकते हैं। कॉपी करिए, पावर पॉइंट ओपन करते हैं, यहाँ पेस्ट का बटन है, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट लिंक, ठीक है, पेस्ट लिंक हम कर देंगे। तो ये मेरे पास एज अ लिंक पेस्ट हुआ है। अब वहाँ पे जो चेंज करेंगे वो यहाँ पे भी दिखेगा आपको। ठीक है, कलर वलर भी चेंज करेंगे तो वो भी दिखेगा। ये आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अदर एप्लीकेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका पेस्ट स्पेशल, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, ठीक है। एक्सेल में शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, कैसे याद रखना है हमें शॉर्टकट को, क्या तरीका होता है। सबसे पहले इसके तीन तरीके हैं शॉर्टकट के। एक तो आप जब इस पे जाते हो किसी पे, तो नीचे स्क्रीन टिप आती है, यह आपको बताती है कि उसका क्या शॉर्टकट है। पर कुछ ही के आगे, अगर मैं चाहूँ कि बॉर्डर में जाके या ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसका कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट की। हमारे पास ऑल्ट की होती है, ऑल्ट की को बस प्रेस करके छोड़ना है। तो आप देखेंगे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कीवर्ड्स खुल जाएंगे। तो होम के अंदर, मतलब हर एक ऑप्शन के लिए वो कीवर्ड आपको दबाना पड़ेगा। जैसे होम के अंदर जाना है तो एच प्रेस करेंगे, जैसे ही एच प्रेस किया बाकी ऑप्शन खुल गए। बॉर्डर के लिए क्या आ गया, बी। ऑल बॉर्डर के लिए क्या आ गया, ए। तो ये आपका ऑप्शन अप्लाई हो गया। इसी तरह से मर्ज करना है, ऑल्ट एच एम सी, अनमर्ज ऑल्ट एच एम यू, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, जब भी आप अपना काम करें तो थोड़ी देर के लिए माउस को साइड में कर दीजिए और ऑल्ट की के ज़रिए नेविगेट करें ऑप्शन को, ठीक है। तो जो आपके मतलब के ऑप्शन हैं वो आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है, काम करते करते। इसके अलावा डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, ऑल्ट नहीं प्रेस करके छोड़ देना, जैसे ऑल्ट प्रेस करके छोड़ दिया, कीवर्ड आ गया, एच आ गया, ठीक है, प्रेस करके छोड़ देना है बस, बी आ गया, ए आ गया, बस प्रेस करते जाइए एक एक करके, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें है डायलॉग बॉक्सेस के लिए, कि डायलॉग बॉक्सेस को कैसे शॉर्टकट हैंडल करना है। डायलॉग बॉक्सेस कौन से होते हैं हमारे, जैसे ये फॉर्मेट सेल का आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे मुझे अलग टैब पे जाना है, मुझे टैब की याद रखनी है बस खाली, ठीक है। टैब की जो ऑप्शन में आप दबाते जाएंगे तो अलग अलग नेविगेट करता जाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे तो रिवर्स में चलेगा, शिफ्ट दबा के रखेंगे और टैब दबाएंगे तो रिवर्स में जाएगा, ठीक है। शिफ्ट हमेशा रिवर्स के लिए होता है। कंट्रोल के साथ जब आप टैब दबाएंगे तो ये ऊपर वाले टैब, पेज टैब्स को चेंज करेगा। कंट्रोल दबा के रखना है और टैब वन बाय वन प्रेस, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा लेंगे तो पेज में ही रिवर्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद
जैसे ये ऑप्शन है तो कितने टैब याद रखेंगे हम, मान लीजिए रैप टेक्स्ट करना है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक ऑप्शन जो भी देखें आप, उसमें एक ना एक कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन है। जैसे रैप टेक्स्ट में W है, श्रिंक टू फिट में K है ना, अंडरलाइन है। तो आपने ऑल्ट की यहाँ पे दबा के रखनी है और वो करेक्टर प्रेस करना है। जैसे रैप टेक्स्ट के लिए ऑल्ट दबा के रखा मैंने, फिर W, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटल के अंदर जाना है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ऑल्ट एच, ठीक है। अब ये आ गया, इसको मैं एरो से भी कर सकता हूँ और या इसके फर्स्ट कीवर्ड से। जैसे लिस्ट को कैसे करना है, इनमें कोई भी फर्स्ट, जैसे सेंटर करना है आपने, सी दबाएंगे, अगर दो होंगे तो उनके बीच में ये टॉगल करेगा, ठीक है। एंटर करेंगे, सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप यहाँ देखें कि ये ब्लू कर्जर है ना, ओके का बटन ब्लू से सराउंडेड है। तो जो भी ऐसा बटन होता है वो आपका एंटर की पे होता है, तो एंटर की प्रेस करेंगे ओके होगा, एस्केप दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ऑल्ट की के ज़रिए कैसे करना है, डायलॉग बॉक्सेस को कैसे करना है, ठीक है। इन दोनों से आपका काम हो जाएगा, जैसे प्रिंट प्रीव्यू के, जैसे ये डायलॉग बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी होगा तो ये आएंगे, प्रिंट प्रीव्यू के लिए आता है। जैसे ऑल्ट एफ पी, अब ये प्रिंट प्रीव्यू का है ना, पेज सेटअप के लिए जी आ रहा है, ये आ गया डायलॉग बॉक्स। अब इसको शॉर्टकट से कैसे चलाना है, लैंडस्केप करना है ऑल्ट एल, फिट टू वन करना है ऑल्ट एफ, ओके करना है एंटर, ये आ गया इस तरह से, एस्केप करके बाहर चले गए। तो मतलब शॉर्टकट की सीरीज़ में हम इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे पिवट है, पिवट में आगे इन सब को करना है, इनके ऑप्शन देखो आर का उससे आ रहा है, ब्राउज़ करना है ऑल्ट डब्ल्यू दबा दूंगा, ब्राउज़ का खुल जाएगा। तो इस तरह से इनका यूज़ होता है। कंट्रोल जी गो टू के लिए होता है, स्पेशल के लिए क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ऑल्ट एस दबाया, गो टू स्पेशल के ऑप्शन खुल गए। फिर ये जो ऑप्शन है इसमें ब्लैंक सिलेक्ट करने, मान लो के, तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको चाहिए कि एक लिस्ट मिल जाए जिससे हमारा मतलब सारे शॉर्टकट लिखे हुए मिल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे अपनी स्क्रीन से। F1, हाँ F1, तो वैसे F1 हेल्प के लिए होता है ना, तो F1 दबाएंगे तो आपकी एक्सेल की हेल्प फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे डाल देंगे कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, एंटर करेंगे तो आपका आएगा कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सारे कीबोर्ड शॉर्टकट ये यहाँ पे दिखा देगा कि कंट्रोल वाले कौन से हैं, ठीक है। आगे चलते जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट से कंट्रोल 1 2 3, पूरी पूरी आपकी लिस्ट है इसमें, फंक्शन की वाले हैं, ठीक है, एरो की से कैसे करना है सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्टकट। हाँ, इसी में आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, एक्सेल के लिमिट्स अगर हमें जाननी है, लिमिट्स टाइप करेंगे इसमें, एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स आ रहा है, ये आपको बताएगा कि एक्सेल की लिमिटेशन क्या है। जैसे कि इन एक्सेल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, ओपन वर्कबुक कितनी हो सकती है, वर्कशीट का साइज़ क्या है, कॉलम विड्थ कितनी हो सकती है, रो हाइट क्या हो सकती है, पेज ब्रेक कितने आ सकते हैं, ठीक है, फिल्टर कितने पे लगा सकते हैं, कितने यूनिक सेल स्टाइल हो सकते हैं, ठीक है,
हाइपरलिंक कितने हो सकते हैं? 66,530 हाइपरलिंक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अंडू कितने लेवल तक कर सकते हैं? 100। सॉर्ट कितने लेवल तक कर सकते हैं? 64। ठीक है, आइटम डिस्प्ले इन फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट, अगर 10,000 यूनिक आइटम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। लार्जेस्ट ये आपको दिखा रहा है नंबर प्रिसिशन, स्मॉलेस्ट अलाउड नेगेटिव नंबर, स्मॉलेस्ट अलाउड पॉजिटिव नंबर, लार्जेस्ट अलाउड पॉजिटिव नंबर क्या होता है, कितना इंटरनल फार्मूला लेंथ कितनी हो सकती है, फार्मूला के 8192 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते फार्मूला। तो ये वाली नेस्टेड लेवल ऑफ फंक्शन, एक के अंदर एक फंक्शन लगाते हैं तो कितने लगा सकते हैं? 64। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसमें इंफॉर्मेशन है। अर्लीस्ट डेट फॉर कैलकुलेशन कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी है, मतलब लेटेस्ट डेट कितनी हो सकती है। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका एक्सेल की लिमिट्स। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप चाहे कहेंगे तो ये वाली शीट भेज दूंगा, नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मैं ये शीट भेज दूंगा आपको, पेस्ट स्पेशल वाली, और आपकी ईमेल आईडी है ही, उस पर मैं वो भेज दूंगा, आपका रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देता हूँ। ये आपको लिंक भेज दूंगा, उससे किसी भी यूट्यूब डाउनलोडर से आपने करना है, डाउनलोड करना है, जैसे कि इसी में बता देता हूँ, कीप विड है, एक साइट है कीप विड है, तो इस पे जाके आपने क्या करना है, यूट्यूब का जो भी वीडियो का लिंक हो वो लिंक पेस्ट कर लेना है, और क्वालिटी आप चूज कर सकते हो कि कौन सी चाहिए। हाँ अनिल, तो जो भी वीडियो हो उसको, ऐसे ये वीडियो है, ये ऊपर से आपने ये कॉपी करना है या लिंक वो पेस्ट कर देना है, इसमें डाउनलोड पे जाएंगे तो आपका लिस्ट आ जाएगी कि किस में आपने डाउनलोड करना है, MP4 में कर लीजिएगा मैक्सिमम में। ठीक है, तो इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी।